यहाँ पे लोग सब ट्राई कर रहे हैं अभी मॉडल भाई का नाम लेके कि वो नाम सुन के बाहर आते क्या नहीं, क्या बोलते छुपो मत, चलो बोलो एक दो तीन। सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर ऑसम व्लॉग। सो गाइज, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है, सो मैं फिर भी बता देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लेके जाने वाला हूँ SA12 गेमिंग हाउस, जो कि खारगढ़ में, तो एग्जैक्टली बता दूंगा किधर है और लोकेशन भी डाल दूंगा। सो जो भी है वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सो अभी एक फ्रेंड, अभी मैं बैग भी अपना पैक कर दिया, जाने के लिए भी रेडी हो गया। सो अभी वो स्टेशन पे, तो जल्दी जाते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली अभी अमान आ चुका है। अमान, कितना टाइम यार, कितना टाइम यार। अभी इसका एड्रेस नहीं पता, तो हम लोग गूगल मैप के थ्रू जाएंगे। और बारिश भी चालू हो गई, देखो सच में। नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं रुकने वाला तेरे लिए कोई भी वीडियो के। तो चलो जाते हैं छतरी। अरे वो क्या कर देगा बाकी। गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे SA12 बूट कैंप के बाहर। तो देखो बाहर से कुछ लुक ऐसा है इसका, और मैं वीडियो में भी थोड़ी बहुत क्लिप्स यूज़ कर लूँगा उनके चैनल की, तो सॉरी। सो बैक में भी जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जितना खूबसूरत ये बाहर से लगता है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से। तो इसकी बात करें तो ये इसका जो कॉस्ट है, इसको बनाने में जो खर्चा आया इन लोग को, ये हुआ है 1 मिलियन रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा महंगा ये घर, बहुत अच्छा है। और हम लोग वेट करेंगे, अगर कोई मिल पाया, कोई दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो कंटिन्यू करते थे। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये जो बीच वाला जो अपार्टमेंट है, ये उनका हॉल है जहाँ पे उन्होंने अपना बैनर और टीवी वगैरह रखा था। सो ऊपर वाला जो किचन है उनका, और ये दो लिविंग रूम है यहाँ पे जो लोग ने, मैं वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे। और ऊपर भी वहाँ पे भी दो रूम्स है, और उसके ऊपर टेरिस है, और उसके ऊपर वाला अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा रूम है। तो और देखते हैं क्या है। ये देखिए एकदम स्टेशन के पास में ही है, यहाँ से बस यहाँ पे अंदर, मतलब पूरा गेमिंग है ना अंदर पूरा। हाँ हाँ बराबर। इसके लिए अभी आए हम लोग, मिलना तो अलाउड नहीं है वैसे, बस ये दिखाने के लिए लेके आया था मैं। नहीं वो वॉचमैन मतलब अलाउड नहीं करते, ठीक है थैंक यू। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कुछ और फैंस लोग वहाँ पे आए हैं, तो चलो उनसे भी जाके थोड़ी बातचीत करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लोग सब ट्राई कर रहे हैं अभी मॉडल भाई का नाम लेके कि वो नाम सुन के बाहर आते क्या नहीं, क्या बोलते छुपो मत, चलो बोलो एक दो तीन। देख अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अभी मैं बाजू वाली बिल्डिंग से आके व्यू ले रहा था, और मुझे वो दिखा जो स्काउट भाई अपने ब्लॉग में, मतलब जिसे पुशअप कर रहे थे, वो वाला मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं वो जो है अभी हम आ चुके इसके बैक साइड में, और बैक साइड में हमारा SA12 बूट कैंप कुछ इस तरीके से दिखता है। सो इसी के अंदर है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी टीम सोल मॉडल और स्काउट की। सो मैं ज़्यादा पबजी खेलता तो नहीं, मुझे इसलिए नहीं पता। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोग को SA12 बूट कैंप दिखा दिया, बट इसके अंदर हमारी जो इंडिया की बेस्ट पबजी प्लेयर्स टीम है, उनसे आप लोग को थोड़ा रूबरू कराता हूँ।
इंतज़ार करने के बाद में भी कोई मैं दिख नहीं रहा, सो कोई नहीं, अब जाने का वक्त हो गया, मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये देख लिया, वही बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो भी ब्लॉगर्स हैं जिनको भी आना है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो भी फैंस है टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आप सिंपली क्लिक करके गूगल मैप के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं, गूगल मैप पे भी इनका जो लोकेशन है वो आप लोग को देखने मिल जाएगा। सो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे, जब तक के लिए टिल देम, नहीं नहीं, 2000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, बहुत कम बचे हैं, सो अगर वो भी हो पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो सोच के रखा हूँ, तो वो जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही एक बहुत मस्त वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो जल्दी से कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे, जब तक के लिए टिल देम गुड बाय।